हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेबी फूड बनाने का सबसे आसान तरीका देखने वाले हैं और इसे हम 3 फ्लेवर में बनाने वाले हैं। इसे हम फ्रूट सेरेलेक भी बोल सकते हैं, जिसे हम फ्रेश और हेल्दी तरीके से बनाएंगे और ये बिल्कुल फ्रेश, ऑर्गेनिक और हेल्दी होगा। आप इसे आसानी से अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम इस ईजी बेबी फूड की रेसिपी को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोटीन पाउडर बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं, इक्वल क्वांटिटी में लेना है हमें। इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे पीस करके बिल्कुल इस तरीके से हम इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम सबसे पहले एप्पल सेरेलेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये एक एप्पल लिया है, इसे हम पीलर की सहायता से अच्छे से पील कर लेंगे और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे, उबालना नहीं है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले पानी को उबालेंगे। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इस तरीके से एक कटोरी को इस तरीके से हम रख देंगे और उस पर हम इस प्लेट को इस तरीके से रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, एप्पल जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, नाइफ की सहायता से हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, एप्पल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। और अब इसे पीस करके हम इसका स्मूथ और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और नेचुरली मीठा भी होता है इसके अंदर। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम ये जो तैयार किया हुआ काजू और बादाम का जो हमने प्रोटीन पाउडर बना के तैयार किया था, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, एप्पल सेरेलेक जो है बन करके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और नेचुरली मीठा भी होता है ये। तो चलिए, अब हम बनाना सेरेलेक बनाते हैं। बनाना सेरेलेक बनाने के लिए हमने ये पीसेस में कटा हुआ एक बनाना लिया है, इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ में हम थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल देंगे और इसे भी पीस करके हम इसका लिक्विड पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसमें हम ये 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बनाना सेरेलेक भी बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से हमने इसे बनाया है और बहुत ही टेस्टी बनाया ये, और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो चलिए, अब हम पपाया सेरेलेक यानी पपीता से सेरेलेक बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 1 कप कटा हुआ पपीता लिया है, इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे भी पीस करके हम इसका लिक्विड पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसमें भी हम ये 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स या प्रोटीन पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, पपाया सेरेलेक भी बन करके तैयार हैं। जब भी आप इन्हें बनाएं, फ्रेश ही बनाएं। आप तीनों तरह के फ्रूट्स को मिक्स करके मिक्स सेरेलेक भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने तीनों फ्लेवर में ये बेबी फूड बना के तैयार कर लिए हैं। तो आज ही आप अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी बेबी फूड बनाएं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, इससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।